नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे स्टेलोपाम मिनी प्लस टेबलेट का और जानेंगे यह कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कितने दिनों तक इसका यूज करना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या इस टेबलेट की कभी आदत पड़ सकती है या नहीं पड़ती। तो वीडियो पूरा देखिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, स्टेलोपाम मिनी प्लस टेबलेट लुपिन कंपनी द्वारा बनाई जाती है, लुपिन कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। ये करीब करीब आपको 102 रुपये 103 रुपये की 10 टेबलेट यानी एक स्ट्रिप हर केमिस्ट स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, पर्ची से लेने वाली दवा है यानी डॉक्टर की एडवाइस लेने वाली दवा है, सेल्फ यूज इसका मत कीजिएगा, शेड्यूल एस के अंदर ये आती है। बात करें किस काम आती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले इसकी कुछ सावधानियां जो कि पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। एल्कोहल के साथ इस टेबलेट का यूज मत कीजिएगा। अगर आप इस टेबलेट की डोज भूल गए हैं तो इसकी ओवर डोज आप मत लीजिएगा। ये कुछ साइड जो कुछ सावधानियां दोस्तों जो कि पता होनी चाहिए। बात करें कौन सी प्रॉब्लम में दी जाती है, तो दोस्तों ये एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में दी जाती है यानी मानसिक रोग वाली प्रॉब्लम में दी जाती है। दोस्तों, इसके अंदर दो दवा का कॉम्बिनेशन आता है, पहला है क्लोनाजेपाम 0.25 मिलीग्राम और दूसरा है इसके साथ है एसीटालोपाम 5 मिलीग्राम, जो कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में काम आने वाले सॉल्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों काम करते हैं, जैसे कि अगर आपको मानसिक रोग आप ले रहे हो तो इसका जो काम करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, दिमाग के अंदर कुछ सेरोटोनिन उस गाबा मैसेंजर होते हैं, उनको ये बढ़ा देता है जिससे कि मूड बेहतर बनता है और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अशांत है तो उसको ये लेने के बाद शांत बना देता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ प्रॉब्लम काम आ सकती है, जैसे कि अगर आप नींद आने में दिक्कत होती है उसमें भी काम आ सकती है, अगर दौरे की प्रॉब्लम है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और अगर चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों में बार बार में मूड बदलता रहता है, उसमें भी ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दे सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम में ये काम आने वाली दवा है। डोज की बात करें दोस्तों, इसकी एक टेबलेट रात को ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम भी दी जा सकती है डॉक्टर द्वारा खाना खाने के बाद। ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, इसकी शॉर्ट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 15 दिन भी यूज़ कर सकते हैं, 1 महीने भी यूज़ कर सकते हैं और 3-4 महीने तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट की कभी आदत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल सेफ है अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसे ले रहे हो। ओवर डोज इसके लेनी नहीं है। साइड इफेक्ट दोस्तों इस टेबलेट कुछ हो सकते हैं, जैसे कि लाइट सर्द रह सकता है लेने के बाद, वोमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है अगर काफ़ी लंबे समय तक आप इस टेबलेट का यूज़ कर रहे हो। दोस्तों, कभी कभार दिख जाने वाला साइड इफेक्ट है, घबराने की बात नहीं है। ये था दोस्तों फुल रिव्यू स्टेलोपाम मिनी प्लस टेबलेट के बारे में। कौन सा और मेडिसिन वीडियो देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देख लें।